अस्सलामुअलैकुम, आपका भाई साजिद रहमानी। तो दोस्तों, हाजिर हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, इन्फिनिक्स नोट 7। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंडर 30,000 के प्राइस टैग में बेस्ट मोबाइल फोन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आपकी लिस्ट में इन्फिनिक्स नोट 7 का नाम जरूर आता है। इन्फिनिक्स का ये स्मार्टफोन पाकिस्तान की मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल आउट हुआ है, और हो भी क्यों ना दोस्तों, ये हर एक की चॉइस को अंडर 30,000 के प्राइस टैग में पूरा करता है। लेकिन दोस्तों, इन्फिनिक्स नोट 7 हुआ अब पुराना, आप आने वाला है इन्फिनिक्स नोट 8। जी हाँ, इन्फिनिक्स ने नोट 7 के सक्सेसर यानी कि इन्फिनिक्स नोट 8 को कीनिया की मार्केट में लॉन्च कर दिया है, और अब इसकी जो नेक्स्ट प्लेस है वो पाकिस्तान और इंडियन मार्केट होने वाली है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, इन्फिनिक्स नोट 7 की तरह इन्फिनिक्स नोट 8 को भी पाकिस्तानी मार्केट में पहले लॉन्च किया जाएगा। इन्फिनिक्स नोट 8 में आपको काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड्स देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो मोबाइल की परफॉर्मेंस हो या फिर कैमरा सेटअप। जिन कंज्यूमर को शिकवा था कि इन्फिनिक्स नोट 7 में कैमरा परफॉर्मेंस बेटर नहीं है, तो उम्मीद है अब की बार आप ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि अब की बार इन्फिनिक्स नोट 7 का जो 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप था वो 64 मेगापिक्सल में कन्वर्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इन्फिनिक्स नोट 8 के बैक पर आपको 64 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के साथ क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सेंसर कौन सा यूज़ किया गया है, इन्फिनिक्स ने इसे मेंशन नहीं किया है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर तो लगा दिया गया है, लेकिन बाकी के तीनों ही सेंसर जो है वो 22 मेगापिक्सल के लगाए गए हैं। यानी कि इन्फिनिक्स ने यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप कंप्लीट तो कर दिया है, लेकिन बाकी के तीन सेंसर 2-2 मेगापिक्सल के लगाकर क्वाड कैमरा सेटअप बराए नाम कर दिया है। मेरे ख्याल में यहाँ पर अगर ट्रिपल कैमरा सेटअप हो जाता तो ज़्यादा बेटर था, एटलीस्ट यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शामिल होना चाहिए था। अब अगर आप इन तीनों लेंस की परफॉर्मेंस की बात करें तो लो लाइटिंग कंडीशन में इन तीनों लेंस की परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ये 2-2 मेगापिक्सल के लेंस आपको क्या परफॉर्मेंस दे पाएंगे। खैर दोस्तों, मोबाइल के बैक पर आपको 4K की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी 64 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के साथ। इसके अलावा मोबाइल के कैमरा सेटअप में आपको स्लो मोशन भी मिल जाएगा। यही नहीं, यहाँ पर आपको EIS की सपोर्ट भी मिल जाएगी, लेकिन ये कितने अच्छे से वर्क करती है ये टाइम ही बताएगा। खैर मोबाइल के फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पर आपको अब की बार सिंगल पंच होल नहीं बल्कि ड्यूल पंच होल मिलने वाला है। यहाँ पर 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर लगाया गया है। अब ये काफी बड़ी अपग्रेड है, इस प्राइस पैकेट में हमें ड्यूल पंच होल मिलने वाला है। खैर देखते हैं मोबाइल के फ्रंट की कैमरा परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। इसके अलावा रैम और रोम कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर 6GB 128GB यानी कि इन्फिनिक्स नोट 7 वाला ही सेटअप देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर EMMC टाइप की स्टोरेज मिलने वाली है। आई थिंक दोस्तों, अब इन्फिनिक्स को भी UFS की तरफ बढ़ना चाहिए। खैर अब बात करें अगर हम इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले की, तो भाई डिस्प्ले में आपको कोई अपग्रेड नहीं देखने को मिलेगी। सेम टू सेम इन्फिनिक्स नोट 7 वाला डिस्प्ले उठाकर इन्फिनिक्स नोट 8 में लगा दिया गया है। यहाँ पर भी आपको 6.9 इंचेस यानी कि ऑलमोस्ट 7 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है 720x1640 की पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। यही नहीं, आपको यहाँ पर पिक्सल डेंसिटी भी सेम टू सेम इन्फिनिक्स नोट 7 वाली मिलने वाली है। अगर आपने मेरी इन्फिनिक्स नोट 7 की डिटेल भी वीडियो देखी है तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था इन्फिनिक्स नोट 7 का जो डिस्प्ले है वो डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप उस मोबाइल फोन के डिस्प्ले को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको ब्राइटनेस लेवल थोड़ा सा कम फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जो ब्राइटनेस लेवल है वो थोड़ा सा कम है, और हो सकता है कि आप स्लाइड करके उसे एक बार चेक भी करें। यही प्रॉब्लम दोस्तों अब आपको इन्फिनिक्स नोट 8 में भी मिलने वाली है, क्योंकि डिस्प्ले में यहाँ पर कोई अपग्रेड नहीं की गई है। एटलीस्ट यहाँ पर जो ब्राइटनेस नीड्स हैं उसको थोड़ा सा अप रखना चाहिए था, 480 या फिर 500 के यहाँ पर ब्राइटनेस नीड्स होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर सेम टू सेम इन्फिनिक्स नोट 7 वाले ही ब्राइटनेस नीड्स को यूज़ किया गया है। तो मेरा ख्याल है डिस्प्ले में यहाँ पर काफ़ी अपग्रेड होनी चाहिए थी, लेकिन डिस्प्ले वाइज भी आपको इस मोबाइल फोन में थोड़ी प्रॉब्लम पेश आ सकती है। इसके अलावा मोबाइल के डिज़ाइन की बात करें तो अब की बार इन्फिनिक्स डिज़ाइन के मामले में अपग्रेड की बजाय थोड़ा सा पीछे की जानिब चला गया। इन्फिनिक्स नोट 7 में हमें बैक पर सर्कल शेप में क्वाड कैमरा सेटअप मिला था, लेकिन अब की बार इन्फिनिक्स नोट 8 में आपको वही पुराना ट्रेंड जो कि सैमसंग, टेक्नो, इन्फिनिक्स या फिर ओप्पो जैसे ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं, तकरीबन सभी ब्रांड्स यही ट्रेंड यूज़ कर रहे हैं, यानी कि मोबाइल के बैक पर एल शेप में क्वाड कैमरा सेटअप दे दिया जाता है। इस मोबाइल फोन के बैक पर भी आपको यही डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक बात बिल्ड क्वालिटी की है तो इन्फिनिक्स नोट 8 की इन्फिनिक्स नोट 7 की तरह बिल्ड क्वालिटी भी आपको प्लास्टिक की मिलने वाली है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस की, तो इस मोबाइल फोन में अब की बार मीडियाटेक का हीलियो G80 के चिपसेट यूज़ किया गया है। इन्फिनिक्स नोट 7 में G70 का चिपसेट था, लेकिन अब की बार यहाँ पर भी थोड़ी सी अपग्रेड की गई है और अब की बार आपको मीडियाटेक का हीलियो G80 का चिपसेट मिलेगा।
नो डाउट दोस्तों इस प्राइस पैकेट में काफ़ी तगड़ा चिपसेट होने वाला है। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको इनफिनिक्स नोट 7 की तरह यहाँ पर भी मिल जाएगी। अगर आप इस पर पबजी, फोर्टनाइट या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स वगैरह खेलते हैं तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगी और ग्राफिक्स भी आपको इनफिनिक्स नोट 7 की निस्बत थोड़े से अपग्रेड मिलने वाले हैं। तो जैसे ही मोबाइल फ़ोन लॉन्च होगा हम इस मोबाइल फ़ोन का गेमिंग रिव्यू वीडियो भी आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की थोड़ी सी हम बैटरी सिचुएशन की। तो अब की बार इस मोबाइल फ़ोन में आपको 5200 mAh की बैटरी मिलने वाली है लेकिन वही 18W की फास्ट चार्जिंग भी साथ में मिलेगी। थोड़ी सी यार फास्ट चार्जिंग को भी इम्प्रूव कर देते तो ज़्यादा बेटर हो सकता था, क्योंकि 18W की फास्ट चार्जिंग के साथ 5200 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। खैर लेकिन ओवरऑल मोबाइल फ़ोन की अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो काफ़ी तगड़ी स्पेसिफिकेशंस के साथ ये मोबाइल फ़ोन आने वाला है। आपको इस मोबाइल फ़ोन का वेट ज़रूर करना चाहिए। और आपकी नज़र में दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस क्या होनी चाहिए? प्राइस की बात चल रही है तो मैं आपको बताता चलूँ, इस मोबाइल फ़ोन की जो एक्सपेक्टेड प्राइस निकल कर आ रही है वो 34,000 है। लेकिन दोस्तों अगर ये 34,000 की प्राइस टैग में पाकिस्तानी मार्केट में आता है तो मेरा ख्याल है इन्फिनिक्स के लिए इस मार्केट में खेलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मेरे नज़दीक अगर इस मोबाइल फ़ोन की जो प्राइस बनती है वैल्यू फॉर मनी तो वो 30,000 है। 30,000 इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस आती है तो ये वैल्यू फॉर मनी है। डेफिनेटली आप लोगों को ये मोबाइल फ़ोन बाय करना चाहिए। लेकिन अगर ये प्राइस के मामले में थोड़ा सा भी ऊपर जाता है दोस्तों तो इन्फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में आ जाएगा, क्योंकि 30,000 से 40,000 के प्राइस पैकेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स के मोबाइल फ़ोन तो मिलते ही हैं, टेक्नो के स्मार्टफोन्स भी मिल जाते हैं, इसके अलावा वीवो के स्मार्टफोन्स भी शामिल हैं और शाओमी इस प्राइस पैकेट में काफ़ी ज़्यादा खेल रहा है। तो मेरा ख्याल है 30,000 के प्राइस टैग में स्मार्टफोन को आना चाहिए। आपकी नज़र में इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस क्या होनी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाले न्यू मोबाइल की अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।